हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से जॉब वैकेंसी की अपडेट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे HDFC बैंक में 2022 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है, जॉब वैकेंसीज की अपडेट्स निकल के आ चुकी है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड। हाँ गाइस, यहाँ पे फ्रेशर्स लोगों के लिए भी वैकेंसी है और यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे लगभग 12,551 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12,551 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज निकल के आ चुकी है और आपको अपने निकटतम शहर में ही जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगभग भारतवर्ष के हर एक सिटीज में जॉब निकल के आ चुके हैं। HDFC बैंक में बहुत कर्मचारी थे, यहाँ पे HDFC बैंक में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आ चुकी है। यहाँ पे काम सिर्फ आपको 8 घंटे का करना होगा, 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा, मेल फीमेल महिला पुरुष सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और सैलरी यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं 35,000 ज्वाइनिंग गाइस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पा रहे या जो एप्लीकेशन मोड क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है, कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, 100% फ्री टू अप्लाई इन दिस कंपनी। अगर यहाँ पे आप लोगों को HDFC बैंक में आवेदन करने के लिए कोई भी पैसा वगैरह पे नहीं कर लेते, पोस्ट नेम NRI डिटेल्स जैसे की लोकेशन वगैरह, तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं भुवनेश्वर लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है और इस समय ये जो है भुवनेश्वर लोकेशन है आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं। RBB पर्सनल बैंकर की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं ये भी उड़ीसा के लिए निकल के आ चुकी है। RBB पर्सनल बैंकर की ओर एक पोस्ट है, ये तमिलनाडु के लिए निकल के आ चुकी है। RBB पर्सनल बैंकर की ओर एक पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए निकल के आ चुकी है। अभी यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की भी पोस्ट है, मुंबई लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। मार्केटिंग सर्विस की पोस्ट है, ये भी यहाँ पे मुंबई लोकेशन के लिए है। और यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट हैदराबाद लोकेशन के लिए। RBB PB टेलर ऑथोराइजर की पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं जो कर्नाटका के लिए। सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है, ये भी यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका के लिए है। इसके बाद RBB प्रिफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर, ये नोएडा के लिए निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे RBB PB टेलर ऑथोराइजर यहाँ पे मरगांव के लिए निकल के आ चुकी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ब्रांच सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है, सलीम के लिए निकल के आ चुकी है। यहाँ पे RBB पर्सनल बैंकर की वैकेंसी है, ये नासिक लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अलग अलग लोकेशन के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे। तो यहाँ पे RBB टेलर ऑथोराइजर की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। RBB प्रिफर्ड रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है, कर्नूल लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। कलेक्शन मैनेजर की वैकेंसी है, बेंगलुरु लोकेशन के लिए है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे मुंबई लोकेशन के लिए निकल के आ चुकी है। सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है, जलंधर पंजाब के लिए निकल के आ चुकी है। क्रेडिट मैनेजर की वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे बेंगलुरु के लिए निकल के आ चुकी है। सेल्स मैनेजर ब्रांच PYMT बिजनेस, आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये जो है यहाँ पे वाराणसी के लिए निकल के आ चुके। तो गाइस ये सब वैकेंसीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और भी अन्य बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं यहाँ पे आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट यानी कि आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। मेल फीमेल महिला पुरुष सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस, अगर आप लोग फ्रेशर्स है तो भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे और एक्सपीरियंस पर्सन भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सैलरी या फिर स्किल की बात कर लो तो HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2022 सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेटिव प्लस बेनिफिट। और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस पास से लेकर डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बस यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस लिमिट की, तो मिनिमम जो है 18 तो होना ही चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज लिमिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग ये सब देख सकते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे ID प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आपके पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टेक्निकल इंटरव्यू, एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट और HRV इंटरव्यू के आधार पर आप लोग को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। हाँ गाइस यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, HDFC बैंक करेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग के सामने 12,551 जो है पोस्ट निकल के आ जाएगी HDFC बैंक करियर। यहाँ पे आप लोग ऊपर में जो है वेब एड्रेस भी देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आपको कभी भी ड्यूटी जॉब्स नहीं दिखा रहे, यहाँ पे प्रमाण सहित आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक जॉब की डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपनी योग्यता के साथ मैच कर लीजिएगा, इसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। मैं किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा। जैसे मुझे यहाँ पे RBB पर्सनल बैंकर की पोस्ट ये जो चाहिए ये उड़ीसा में निकल के आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अप्लाई वाला बटन में क्लिक कर दूंगा। इसके बाद
आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे न्यूज में क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, एक रिज्यूमे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देंगे, आप लोग के रिज्यूमे को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। बस इतना ही स्टेप से गाइस, बस इतना ही कीजिए, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी।